बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज क्या है? आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। इसलिए महात्मा गांधी जी को सादर नमन और आप सबको महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा गांधी जी कौन थे? महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे और एक बहुत महान पुरुष थे, बहुत बड़े महान पुरुष थे, जिन्होंने सत्य और अहिंसा, इन दो ही शस्त्रों से हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया, गुलामी की बेड़ियों से हमारे देश को आज़ाद करवाया। आज हम उन महान पुरुष महात्मा गांधी जी के जीवन के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और आपको उनके जीवन के विषय में कुछ जानकारी देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी एक महापुरुष आसीत। महात्मा गांधी कौन थे? एक महान पुरुष थे, सहभारताएँ अजीवत, वे भारत के लिए ही जिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत देश के हित के लिए, परोपकार के लिए, अंग्रेजों से भारत देश को आज़ाद कराने के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। भारताय एवचा प्राणान अति, और भारत के लिए ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, भारत के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, अपने उन्होंने पूरा जीवन भारत की सेवा में लगा दिया और भारत के लिए ही, भारत को आज़ाद कराने में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाल्य गांधी एक सरला बालक आसीत। बचपन में गांधी जी एक बहुत सरल, बहुत सीधे, बहुत सरल स्वभाव के बालक थे। सह सदा सत्यम वदति स्म, वो सदा सत्य बोलते थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा उनका शस्त्र था। उनको हिंसा पसंद नहीं थी, वो केवल सत्य और अहिंसा से ही बड़े से बड़ी समस्या को हल कर लेते थे। सह आचार्याणाम प्रिय आसीत, वो अपने गुरुओं के, अपने शिक्षकों के, अपने आचार्यों के भी बहुत प्रिय थे। उच्च शिक्षाएँ सह इंग्लैंड देशम अगच्छत, और ऊंची शिक्षा के लिए वो कहाँ गए? इंग्लैंड देश गए, इंग्लैंड पढ़ने के लिए वो ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। भारतम आगत सह देशस सेवायाम संलग्न अभवत, और भारत लौटकर जब वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली तो भारत लौटकर वो देश की सेवा में संलग्न हो गए, यानी कि देश की सेवा में लग गए। सह सत्याग्रहम अचालयत, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का क्या किया? प्रारंभ किया, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तस्य श्रद्धा अहिंसा याम आसीत, उनकी श्रद्धा किसमें थी? अहिंसा में। वो सभी से ये कहते थे कि आप कोई भी समस्या है, कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी दुख है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आप केवल अहिंसा का प्रयोग करिए, हिंसा का प्रयोग नहीं करिए, और अहिंसा से आप बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तस्य सर्व समया सर्वा शक्ति सर्वम धनम च देशाय एव आसीत, उनका सारा समय, उनके जीवन का सारा समय, सर्वाशक्ति उनकी सारी शक्ति और उनका सारा धन देश के लिए ही था। वो जो करते थे केवल देश के लिए करते थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए ही समर्पित कर दिया था। सह देशभक्ता नाम नायका आसीत, वो देशभक्तों के क्या थे? हीरो थे, नायक थे, लीडर थे, है ना। सह आंदोलनम अचालयत आंग्लिया भारतम त्यजत, उन्होंने आंदोलन चलाया, मिशन चलाया, क्या चलाया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा की नीति अपनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनका नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत को आज़ाद करो, भारत छोड़ो। तस्य महापुरुषस्य प्रयत्ने भारतम स्वतंत्रम अभवत, उस महापुरुष के, उस महान व्यक्ति के, उस ग्रेट मैन के प्रयत्नों से, उनकी कोशिशों से भारत आज़ाद हो गया। गांधी महोदयाय नमः, उस गांधी महोदय को, उस महान पुरुष को सादर नमन है। आपको महात्मा गांधी जी के जीवन के विषय में ये जो मैंने जानकारी दी है, जो मैंने उनके विषय में जो बताया है, वो सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम सब भी उन्हीं की तरह आज यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर, यानी सत्य और अहिंसा रूपी शस्त्रों को अपनाकर इस देश के लिए, अपने भारत देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, ताकि हमारा देश उन्नति करे, प्रगति करे और आगे बढ़े।
हमारे भारत देश को और हमारे भारत देश के महान पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सादर नमन है और हमारे देश के लिए जय हिंद।